हेलो फ्रेंड्स, आजकल बहुत सी वीडियोस के अंदर आपने देखा होगा कि वीडियो चलती रहती है और इस तरीके से लिखा हुआ टेक्स्ट दिखाई देता है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हिंदी में भी दिखाई देता है, इंग्लिश में भी दिखाई देता है कुछ कुछ वीडियोस में। तो ये कैसे किया जाता है? ऐसे तो काफी दिन से रिक्वेस्ट आ रही थी कि प्लीज बताइए कि इस तरीके से कैसे किया जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कौन सी सेटिंग करनी है कि आपकी वीडियोस में भी इस तरीके से लिखा हुआ और चलता हुआ टेक्स्ट दिखाई दे। आप जिस लैंग्वेज में चाहते हैं उस लैंग्वेज में ये दिखाई देगा। हिंदी में चाहते हैं तो हिंदी में दिखाई देगा, इंग्लिश चाहते हैं तो इंग्लिश में दिखाई देगा। वीडियो को शुरू करते हैं, पर उससे पहले हेलो फ्रेंड्स, मैं सुप्रिया सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं ए टू जी कंटेंट में। अगर ये वीडियो आपको पूरी देखने के बाद अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। एक सेटिंग होती है यूट्यूब में जाकर के, आप अगर उसे फिल करते हैं, उसे टिक करते हैं, तो आपको इस तरीके से लिखा हुआ यूट्यूब की तरफ से ही दिया जाता है। आपको किसी एडिटिंग ऐप में जा करके ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो हम बोलते हैं वो चीज अपने आप वहां पे लिखी हुई और टेक्स्ट चलती हुई दिखाई देती है। ओके, यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। और आप ये काम YouTube से नहीं कर सकते, YT स्टूडियो से नहीं कर सकते हैं, आपको क्रोम पे अपने चैनल को ओपन करना होगा, लॉगिन करना होगा, तभी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्रोम के ऊपर चलते हैं। हम इस तरीके से आपको लॉगिन कर लेना है। और यहाँ पे मेरा जो चैनल है ऑलरेडी लॉगिन है, क्योंकि मैं हमेशा ही लॉगिन करके ही रखती हूँ। अब जब आप लॉगिन करेंगे तो कभी कभी आप लॉगिन नहीं कर पाते हैं और आपको इस तरीके से दो चीज़ें दिखाई देती है, गेट द ऐप, कंटिन्यू टू द स्टूडियो। ठीक है, तो आपको कंटिन्यू टू द स्टूडियो के ऊपर कर लेना है क्लिक। यहाँ पे क्लिक करते ही आपका चैनल जो है ओपन हो जाएगा। अगर आपने लॉगिन नहीं किया है तो आपको आपके यूट्यूब का ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना होगा, तब आपका चैनल यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे थ्री डॉट देख सकते हैं, तो आपका यहाँ पे डेस्कटॉप साइड रहना चाहिए। डेस्कटॉप साइड पे आपको क्लिक करना है तो ही डेस्कटॉप मोड में ये आपका पेज जो है, चैनल जो है शो होगा, नहीं तो फिर नहीं शो होगा। ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि करना कैसे है। तो यहाँ पे कोई भी एक वीडियो मैं चूज कर लेती हूँ जस्ट एग्जांपल के लिए। तो देखिए, टाइटल लिखने का ऑप्शन आता है, डिस्क्रिप्शन लिखने का ऑप्शन आता है, यहाँ पे आप एंड स्क्रीन लगा सकते हैं, आई कार्ड लगा सकते हैं, थंबनेल लगा सकते हैं। थोड़ा सा नीचे चलते हैं हम, तो शो मोर यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, इसके ऊपर हम कर लेते हैं क्लिक। शो मोर के ऊपर क्लिक करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लैंग्वेज एंड कैप्शन सर्टिफिकेशन है लिखा हुआ है। यहाँ पे दो बॉक्सेस आपको मिलते हैं, एक मिलता है वीडियो लैंग्वेज, इसके ऊपर कर लेते हैं क्लिक। मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आप देख पाए, एरो छोटा सा दिख रहा है, उसके ऊपर कर लेते हैं क्लिक। तो अभी थोड़ी ही देर में बहुत सारी लैंग्वेज यहाँ पे ओपन हो जाती है। अब आपका वीडियो लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है, हिंदी है, या फिर जो भी लैंग्वेज आपका हो, आपको यहाँ से चूज करना है। यहाँ पे जो मेरी वीडियो लैंग्वेज है वो है हिंदी, तो मैं यहाँ पे हिंदी चूज करूंगी। थोड़ा सा नीचे चलते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर मैं कर लेती हूँ क्लिक। ठीक है, मैंने चूज कर लिया। अब यहाँ पे नीचे देखिए, हिंदी यहाँ पे एक बॉक्स में तो चूज कर लिया है। अब टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज क्या है, आप किस लैंग्वेज में लिखते हैं अपना टाइटल और डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे वापस से एरो के ऊपर हम कर लेते हैं क्लिक। उसके बाद आपको देखिए बहुत सारे लैंग्वेज देखने के लिए मिल जाते हैं। यह है जो टाइटल में इंग्लिश भी लिखती हूँ, हिंदी भी लिखती हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इंग्लिश में भी देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। एक है इंग्लिश, एक है इंग्लिश ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है इंग्लिश कनाडा, इंग्लिश इंडिया, इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट। इंग्लिश में भी कितने सारे ऑप्शन है, 6-7 ऑप्शन है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इंग्लिश इंडिया चूज करती हूँ। तो यहाँ पे मैं इंग्लिश इंडिया के ऊपर कर लेती हूँ क्लिक। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी वीडियो लैंग्वेज हिंदी है, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज मैंने यहाँ पे इंग्लिश इंडिया चूज करके रखा है। तो आपको यहाँ पे इस तरीके से चूज करना है, यहाँ पे सेव कर देना है। यहाँ से जब आप इस तरीके से अपनी हर वीडियो में सेव करते हैं, लैंग्वेज चूज करते हैं, तो क्या होता है, तब YouTube अपनी तरफ से
आपकी वीडियो में आप जो भी बोल रहे हैं, मैं जो भी बोल रही हूँ, वो सारी चीज़ें नीचे दिखाई देती है। हिंदी चूज़ किया है वीडियो लैंग्वेज तो हिंदी में आएगी, इंग्लिश अगर आपने चूज़ किया है तो इंग्लिश में आएगी। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।